मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। प्रोग्राम आवाज़े हक के साथ आपका होस्ट अरुण यूसुफ और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नामा। नाज़रीन, ये जो महीना है ये मुहर्रमुल हराम का महीना है और हम सब जानते हैं कि इस महीने में बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने अजीज़ों की कब्रों पर जाते हैं और वहाँ पे जाके फातिहा ख्वानी करते हैं, वहाँ पे फूल चढ़ाते हैं और इस बात को याद करते हैं कि हमारे अजीज़ जो हैं वो इन जगहों पर वो मौजूद हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो कि मसीही हैं और पाकिस्तान में रहते हुए उन्हीं के कब्रिस्तान को जो है और उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है ताकि उनकी इस जगह को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। आज मैं बात करने वाला हूँ मुतहिदा मसीही कब्रिस्तान रहमानपुरा की और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो जगह है कब्रिस्तान की उसको हथियाने के लिए, उसको अपने कब्जे में करने के लिए बहुत सारे जो लोग हैं वो तैयार खड़े हैं, जिसमें से एक नाम रिफत महमूद का, जो कि इस जगह को अपने कब्जे में करने के लिए कानूनी कार्रवाई कर रहा है और कब से कर रहा है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे और पूछेंगे उन तमाम लोगों से जो कि इस मसीही कब्रिस्तान के साथ मुंसलिक हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मसीही कब्रिस्तान के साथ सिर्फ कोई एक बस्ती मुंसलिक नहीं है, तकरीबन 9 से 8 बस्तियां हैं जो इस मसीही कब्रिस्तान के साथ मुंसलिक हैं और जिन्होंने अपने अजीज़ों को इस कब्रिस्तान में दफनाया है, लेकिन उनसे इस कब्रिस्तान को छीनने की कोशिश की जा रही है। और इसी ताल्लुक से बात करने के लिए आज हमने उनको अपने स्टूडियो में दावत दी है ताकि हम उनसे जान सकें कि आखिर ये सारा मामला है क्या और इस कब्रिस्तान को उनसे छीनने की क्यों कोशिश की जा रही है। तो आए नाज़रीन उनसे बात करते हैं और सारी कहानी उन्हीं की जुबानी जानते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं बात करूंगा मसीही कब्रिस्तान के जो हेड चेयरमैन चौधरी जावेद साहब। सर, मैं आपको अपने स्टूडियो में वेलकम करता हूँ और आज आप नेशनल न्यूज़ नामा के स्टूडियो में आए हैं। सर, इस कब्रिस्तान की जो एक तो तारीख है कि कब से ये आप लोगों की कस्टडी में है और कितनी बस्तियां इस कब्रिस्तान के साथ मुंसलिक हैं, आप हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं। सारे 1982 तो लग के ना साढ़े व्या को सी। उस अच्छा। तो बाद फौत हो गए तो उस तो बाद मेरे को चौधरी जावेद। अच्छा, उदों तो लग साढ़े को होने से उठ पाया इफत महमूद कब्जे जिन्हें कि मेरा एक कनाल तुते जगह। अच्छा, लिया कद 84 तो लग के लगा रहा बंदा। अच्छा, 1982 में अगर इसकी जो कस्टडी है चेयरमैनी जो है वो आपके पास आई और लेकिन उससे पहले हमारे बहुत सारे जो अजीज हैं इस जगह पे दफन किए जा चुके हैं तकरीबन 100 साल से उत्ते में पुराना कब्र। अच्छा नाज़रीन, इसकी जो तारीख है वो तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा है और जब ये सब ये बता रहे हैं कि जब उनके पास इसकी सुपरविजन आई, इसकी चेयरमैनी जब उनको दी गई तो ये 1982 का साल था और 1982 से लेके आज तक वो इसके चेयरमैन हैं। तो इसके अलावा सर, आप हमें ये जरा बताएं कि यहाँ पे जो ये रिफत नामी जो शख्स है इसने कब आके इस कब्रिस्तान को अपने इख्तियार में लेने की कोशिश की। 1.5 साल होया जदों आने के दस ये जगह मेरी है। अच्छा, उदो पहला कोई चक्कर नहीं थे अगर सालों का पता होगा। अच्छा, उदो इन्हें 1.5 साल होया जदों इन्हें लिया के वो आई जी मेरे को जगह मेरी है। तब भी हुए हैं वो साल जो साढ़े बजे साल उदों दे ने तकरीबन कोई 82-83 ते लग है। वो केस उदों दे ने 82-83 के। नाज़रीन, यहां पे हमारे साथ फाजिया कॉलोनी के पास्टर मौजूद हैं मंजूर गौरी साहब। सर, आप फाजिया कॉलोनी के पास्टर हैं तो सर आप जरा हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस कब्रिस्तान की जो सारी कहानी है वो क्या है। मैं आपको बताता हूं जी कि ये कब्रिस्तान तो बहुत पुराना है। मेरे दादा की कब्र यहां पे थी, ये कोई तकरीबन 1979-80 की बात है। अच्छा, जब वो मेरे दादा फौत हुए थे। इससे पहले हमारे फाजिला कॉलोनी के बुज़ुर्ग थे चेयरमैन सैमुल साहब, इस कब्रिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे हैं। उसके बाद आस्ता 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 ना ये बदलता गया, जैसे जैसे लोग मरते गए इसके बाद वो आते गए। तो ये हमारे पास कोई तकरीबन 2 साल से ये कब्रिस्तान की जिम्मेदारी यही है। अच्छा, तो हमने तो अपनी आबादी में तमाम लोगों को कह दिया था कि कोई कब्रिस्तान के लिए चंदा नहीं देगा, हम खुद करेंगे और हम
क्योंकि लोग गरीब हैं, आगे इतने परेशान होते, जब यहाँ के जो पुराने चेयरमैन थे वो लोगों को परेशान करते थे कि जी आप कोई अगर उनका कोई अजीज़ फौत हो जाता तो उसे कहते थे जी आप 3,000 दे, 4,000 दे, 5,000 दे, फिर आपको पर्ची देंगे। तो इसलिए हमने ऐलान किया। तो ये तकरीबन 8 माह पहले की बात है कि जब जो चेयरमैन साहब ने हमें बुलाया कि जी इस तरह की रिफत महमूद है जिसने DSP साहब को दरख्वास्त दी है कि हमें ये इस प्लाट, ये जो एक कनाल तकरीबन 180 फुट जगह है इसका मैं मालिक हूँ, और ये जो जगह है वो हमारा फ्रंट है, जिस जगह से हम कब्रिस्तान में एंटर होते हैं जनाजा लेके, उस फ्रंट की उसने रजिस्ट्री करवाई है। अच्छा, हाँ जी। तो वो जब हम DSP साहब के पास गया तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है आप ऐसा करें, आप अपने कोई कागजात वगैरह लेके आए तो आके हमें बताएं। हमने उससे एक हफ्ते का टाइम लिया। एक हफ्ते के बाद हम उससे पहले हमने वकील साहब को बुला लिया था, सब डिस्कस की। तो वकील साहब ने उस जो डिग्री थी जो रिफत महमूद ने करवाई थी, अच्छा रिफत महमूद ने डिग्री भी करवा ली थी, अच्छा। रजिस्ट्री करवा के डिग्री भी करवा ली थी, ठीक है। और डिग्री करवा के तो DSP साहब को कहता है जी कि ये जो मसीही लोग हैं ये कब्जा ग्रुप है, अच्छा। इन्होंने मेरी जमीन पे कब्जा किया हुआ है। जब हमने जाके DSP साहब को सारी सूरत हाल बताई कि जी ये कब्जा नहीं है, ये कब्रिस्तान है और इस पर तकरीबन ये 100 साल पुराना कब्रिस्तान है, और ये जो फ्रंट है जिससे जहाँ से हम कब्रिस्तान एंटर होते हैं जनाजे लेके, इसने उसकी रजिस्ट्री करवा ली है। और साथ ही हमारे दरवाजे के साथ ही गेट के साथ हमारा था जनाजगा, उसके साथ 2 क्वार्टर थे गोरकन के, ये सारी उसने रजिस्ट्री करवा ली थी। ये फ्रंट था। और एक मैं आपको बात बताऊँ कि इस वक्त जगह बहुत महंगी हो गई है, तकरीबन वहाँ पे कुछ 40-45 लाख रुपये मरला जगह है, जिस वजह से उसने लालच करके ये जालसाजी के साथ ये सारा काम किया। तो हमने वो रजिस्ट्री और उसकी जो डिग्री थी ना उसके लिए हमने केस किया और उसकी डिग्री को ख़त्म करवाया। ये वकील साहब साथ बैठे हैं, ये हमें आपको आगे सारा केस के मतलब बता देंगे। और ये सारी उन्होंने जालसाजी के साथ की है, ठीक है। और हम तकरीबन मेरी इस वक्त 57 ईयर ओल्ड, आई एम 57 साल का मैं पुराना हो गया चुका हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज तक हमने जो भी देखा है, जब हम जवान थे तो यही पता चलता था कि कुछ थोड़ा सा उन्होंने कब्जा कर लिया, थोड़ा सा उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये सारी मैंने आज ये वीडियो बनवाई है, उसमें मैंने बताया है कि ये जगह ऐसे ऐसे लोग थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और कब्जा करके बैठ जाते हैं। नहीं तो सर मुझे ये बताएं जरा कि कब्रिस्तान की 4 दीवारी नहीं है? 4 दीवारी है, हमने करवाई है, लेकिन उसमें से लोगों ने आगे जो दरमियान में से दरवाजे रख लेते हैं, खिड़कियां दरवाजे रख के आस्ता आस्ता सब वो कब्जा कर लेते हैं। अच्छा। तो इससे पहले भी हमने काफी हमारे जो बुजुर्ग थे इकट्ठे होते रहे हैं, उन्होंने काफी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसमें हमारे बुजुर्ग जो थे वो आपको पता है ज्यादातर अनपढ़ लोग थे, तो वो ज्यादा कोशिश नहीं करते थे, जिला कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे, थाने में नहीं जाना चाहते थे। आपको पता है कि मसीही लोग जो पुराने वो बड़े डरपोक होते हैं, तो इस वजह से। तो इसके बाद ये जब हमारे पास आई है तो हमने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन अब हम इसको मुकम्मल करके छोड़ेंगे, ठीक है, हमारा विजन है। तो यानी कि आपने अब रिफत महमूद के जो खिलाफ आपने अपील दायर कर दी हुई है? जी बिल्कुल। और बकायदा केस जो है वो चल रहा है? केस हमारा चल रहा है। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कई दफा ये जो कब्रिस्तान का जो रिकॉर्ड होता है, जो मतलब रजिस्टर होता है, जाहिर सी बात है वो भी कब्रिस्तान में मौजूद होता है या मतलब चेयरमैन के पास या जो आपने वहाँ पे निगरान आपने रखा होता है उसके पास होता है, तो जाहिर सी बात है जब आप DSP साहब के पास गए हैं तो वो आप कब्रिस्तान का जो रजिस्टर है वो भी उनको दिखाया होगा कि ये कितना पुराना है या नहीं? नहीं, वो तो एक्चुअली जो वकील साहब ने जो केस तैयार किया था ना उसी के बहाव पे ना वो फिर DSP साहब ने कहा था कि रिफा महमूद को ये कहा कि अब तो ये चूंकि ये अदालती कार्रवाई होगी इसलिए इसमें मैं अब इंटरफेरेंस नहीं करता, जो अदालत फैसला करेगी वही होगा। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन अभी हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज़ फजल सरोया साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और हम उनसे भी आज जानेंगे इस केस के बारे में और उनसे पूछेंगे कि आखिर ये केस उनके पास जब आया तो उन्होंने इस केस को किस तरह से हैंडल किया और वो जो मतहदा मसीह कब्रिस्तान के जो लोग हैं उनको क्या उम्मीद दिलाते हैं।
तो शबाज साहब, सर हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आज आप इन लोगों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो सर इस केस के बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ज़रा ब्रीफ करें। जी अरुण भाई, बहुत शुक्रिया। और स्पेशली जो है हम मुतहदा कब्रिस्तान के हवाले से, और ये जो हमारी कम्युनिटी है जिसमें ये फाजलिया कलोनी, रहमानपुरा और इचरा और जितने कोई 8-9 आबादी हैं, ये पूरे आबादियों की इस फोरम पे नुमाइंदगी हो रही है। एक आवाज़ जो है वो सामने आ रही है कि हमारे जो मसीही लोग हैं जिनके जो कब्रिस्तान हैं अब वो भी महफूज नहीं है। हमारे साथ सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि हमारे जो 50% के करीब जो कब्रिस्तान हैं मसीही, वो डिस्प्यूटेड हैं, वो ग्रैब्ड हैं। उसकी सबसे बेसिक जो वजह है वो है कि सबसे पहले तो हुकूमती जो अदम तवज्जो वो इस पे जो है ना तोजो नहीं है किसी भी तरह से। दूसरा, हमारे जो बेसिक जो कॉन्ग्रीगेशंस हैं जैसे कैथलिक्स हैं, उनके अपना मतलब कोई ग्रेवयार्ड है या चर्च ऑफ पाकिस्तान या दूसरे हैं, लेकिन जो इलाकों में कब्रिस्तान आते हैं उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता। अब हकूमती सरपरस्ती, अगर मिसाल के तौर पर अभी ये लाहौर में ये शहर खामोशा के नाम से 5 मेन कब्रिस्तान जो है वो चूज़ किए गए हैं कि जिनको मॉडल कब्रिस्तान के तौर पर, अफसोस की बात है कि लाहौर में हमारा एक कब्रिस्तान भी जो है ना उसमें पूरा नहीं उतरता। अब हमारा जो है वो कोई यहाँ पे पुरसाने हाल नहीं होता। अब ये जो हालिया हमारा कब्रिस्तान है, ये जो तकरीबन जो पार्शली ग्रैब हो चुका है और अभी ये लोग इस पर एफर्ट कर रहे हैं, तो ये तकरीबन 100 साल पुराना है। अब जब आपने जो वीडियो भी हम इसमें आप रखेंगे चलाएंगे, तो उसमें आप देखें कि ये एक बड़ी जो मुस्लिम कम्युनिटी है और बड़ी वेल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी है जिसके दरमियान में ये कब्रिस्तान है और उसको तकरीबन 5 जो है वो गलियां लगती हैं, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और ये सारा, और उन आबादियों के दरमियान में जो है ना ये कब्रिस्तान है। इसको 3-4 जो है वो फिरोजपुर रोड से रास्ते लगते हैं, एक वादत रोड की तरफ से मुस्लिम टाउन से, एक इचरा की तरफ से, एक पीछे की तरफ से। तो ये एक बड़ी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है और जैसे ये पास साहब ने कहा कि 40 से 50 लाख रुपया पर मरल है। अब यहाँ पे जो चार द्वारी है वो सिर्फ सिर्फ जो जनाजगह है और वो जो पार्क है उसके साथ वाली दीवार है वो चार द्वारी है, बाकी जो पीछे है सारे घर हैं वो बेसिक जो घर है उनकी बैक साइड पे जो है वो ओपन सारा कब्रिस्तान है। अब जब ग्रैब हुआ सबसे पहले तो लोगों ने क्या किया कि अपने घर के जो बैरूनी हिस्सा था उनके जो दरवाजे हैं वो पीछे कब्रिस्तान की तरफ कर लिए। उसके बाद जब कब्रिस्तान की तरफ दरवाजे कर लिए तो एक आध कब्रों को साफ करके वहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा सेन बना लिया, कोई पौधे लगा दिए, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जो है ना वो कोई कमरा बन गया, कोई ये वो। तो इस वक्त जो है वो तकरीबन कोई 15 के करीब जो घर ऐसे हैं कि जो 10 से 15 फुट तक वो आगे आ गए हैं, कब्रिस्तान के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर आ गए हैं। दूसरी बात कि एक जनाजगाह के बिल्कुल सामने घर है वो तकरीबन 5 मरले ही जो है वो पीछे आ गया, यानी कि वो इतना जो है वो उन्होंने कब्जा कर लिया हुआ है और उसके सामने मेन फ्रंट गली है। अब ये जो रिफत महमूद है इसने 2004 में एक बोगस और फेक रजिस्ट्री जो है वो तैयार करवाई। ये कोई इंतहाब आलम है, उसके साथ उसकी कोई हमशीरान थी असगरी खानम और इस तरह। तो 2004 में जब ये कहता है कि जी मैंने ये 13-14 लाख में ख़रीदी, पहली बात तो ये है कि 2004 में ये 13-14 लाख की प्रॉपर्टी बनती नहीं है, एक नाल और 108 स्क्वायर फुट, यानी कि लीगली भी अगर हम देखें, लीगली भी, क्योंकि अगर हम उस जगह की मार्केट वैल्यू देखते हैं तो उस मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो 13 लाख की नहीं बनती। जहाँ पे 40 से 50 लाख अगर आज रेट है तो 2004 अगर पीछे चले जाएँ तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 5 लाख भी मरला हो तो एक नाल में 20 मरले होते हैं या तो 1 करोड़ की तो जगह बन गई, तो 13 लाख में उसने कैसे ले ली। सो सबसे पहले तो ये एक पॉइंट है उसकी जो है वो फौजरी का, कि जिस तरह उसने फेक जो है ना वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाया। उसके बाद 2004 में वो रजिस्ट्री करवाता है और 2021 में वो कोर्ट से डिग्री लेता है कि जी ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये मुझे जो है ना वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से वहाँ गुजार करवा के जाए। अब वो प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है वो बेसिक हमारा जो मेन गेट है जनाजगाह वो है कि जब हम इस जो स्ट्रीट है कब्रिस्तान की ईस्ट वाली,
वहाँ से हम एंटर होते हैं तो हमारा तकरीबन कोई 12 फुट का जो मेन कब्रिस्तान का जो मेन एंट्रेंस है उसके साथ हमारे जो वॉशरूम्स हैं, फिर पीछे जो है वो जो गोरकुन है उसके क्वार्टर हैं, तो वहाँ से जो हम करके पूरी जो लेंथ निकलती है वो तकरीबन एक कनाल बनती है। अब वो बंदे ने किसी ज़माने में उसको सर्च किया होगा, देखा होगा कि भाई यहाँ तो कब्रें मौजूद नहीं हैं, तो मैं यहाँ से जो है ना वो एक पटवारी जो मुतलका है उससे साजबास करके, तो ये जो है सारा ड्रामा रचाया गया। अब 17-18 साल के बाद उसे ख्याल आया कि भाई ये तो ज़मीन मेरी है, 2004 में लेने के बाद उसे ख्याल ही नहीं आया, और हमें भी तो इस बात का पता ही नहीं था कि ये मामला है। अब 2022 को जब हमें अचानक DSP साहब की तरफ से कॉल आती है, हमारे ये जो कम्युनिटी के जो मेंबरान हैं, ये जो जावेद साहब पासर साहब, कि भाई आप आएँ, एक मैटर है आपके कब्रिस्तान का, ये रिफत महमूद आए हैं पुलिस स्टेशन वादत कॉलोनी, DSP से मिले हैं कि भाई मेरे हक में अदालत ने डिग्री कर दी है, लिहाजा ये जो जगह है कब्रिस्तान से ये मुझे जो है ना वो इनसे एविक्ट करवा के दी जाए थ्रू बेलफ। अब DSP चूँकि उसने अकलमंदी का मुजाहरा किया कि ये मैटर पब्लिक एट लार्ज का है, ये किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें नक्शे अमन का जो है वो खदशा हो सकता है, 8-9 जो हमारी क्रिश्चियन मेजर आबादी है वो इसमें उनके जो अबाव अजदाद के जो वो वहाँ पे दफन है, उनके जो जस्ते हाकी उनके वो दफन है, तो इसलिए उसने जो 8-9 आबादियों के जो थे सरबराहान उनको बुलाया कि आप आए, मैं भी था साथ, तो वहाँ पे रिफत महमूद उसने एक एप्लीकेशन दी हुई थी और सारा जो भी मामला था। तो जब हमने उनसे बात की तो हमने कहा कि भाई आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, हम इस पे देखते हैं, हमें तो पता ही नहीं चला है कि इसने कैसे डिग्री ले ली है। फिर हमने जब अपने तौर से कोर्ट में पता किया तो हमें पता चला कि इसने तो बिल्कुल बोगस और फेक और रोमन कैथलिक को एक पार्टी बना के फर्जी सा मेलाफाइडली जो है इसने वो डिग्री ली, और उसके बाद ये सारी डिग्री वन साइडेड है इसमें किसी भी तरह से। जब हमें पता चला, मैंने फौरी तौर पर उसकी टेस्टेड कॉपीज लेके मैंने 12-2 जाब्ता दीवानी के तहत उसको जो है वो चैलेंज कर दिया, और वो तारक रशीद कमर कमर साहब थे, उनकी कोर्ट वो एग्जीक्यूशन कोर्ट थी, वहाँ पे वो मैंने उनका उसके जो डिग्री थी जो पहली उसने वहाँ से वो उसको मैंने स्टे करवा दिया, और उसके बाद जब सस्पेंड होगी वो, तो फिर हमारा जो 9 आबादियों के जो सरबराहान थे इनको हमने प्लेंटिफ बना के, जिसमें जावेद साहब हैं ये नंबर 1 पे हैं, पासर मंजूर साहब हैं ये भी हैं, तो हमने फिर ये 12-2 के तहत ये रिफत महमूद के खिलाफ ये केस फाइल कर दिया कि इसने मेलाफाइडली जो है ना विद कमिट फॉर्जरी ये डिग्री जो है ना ये ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रेप ये कोर्ट से ली है। तो वो हमारा केस चल रहा है। अब ताहिर महमूद इंसारी साहब हैं सिविल जज लाहौर, तो अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है वो 12-9 है, क्योंकि अब छुट्टियां चल रही हैं, तो अभी हमारा जो बेसिक है वो इसको अब जिसकी जो कैंसलेशन है उसमें हम आ रहे हैं, इसके बाद हम इस पर एक FIR लॉन्च करवाएंगे 420/68 और 71 के तहत कि इसने जो है ये गलत जो है फॉर्ज डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार किया सारा, उसमें पटवारी भी आएगा जो जो जिन्होंने इवन के जो पिछली डिग्री है इसके जो डिग्री से लेकर जिसकी जो रजिस्ट्री है वो सारा प्रोसेस, तो सारे लोग इसमें आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी हमारी कम्युनिटी का एक बड़ा अच्छा ये स्टेप है कि इन्होंने अपने आबाओ जदाद और अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए इस विरसे को महफूज किया है, और ये बड़ी वैल्यूएबल जगह है। इसके अलावा हमारे पास कोई और जगह नहीं है कि हम अपने किसी प्यारे की जो है वो तदफीन वहाँ पे कर सकें। सो इसके लिए हमारा यही मुतालबा है कि इस कब्रिस्तान के अलावा और भी जहाँ पे कोई ऐसे डिस्प्यूटेड मैटर हैं, हमारी हुकूमत उस पर नोटिस ले और उस पर जो है वो चेक एंड बैलेंस रखे। और दूसरी बात ये कि ये जो ग्रैबर्स हैं ये समझते हैं कि भाई ये ओपन लैंड है, कब्रिस्तान है, तो इनको इस तरह की जो घटिया हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी के जो है वो ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं होती, ये एक पब्लिक एट लार्ज प्रॉपर्टी होती है, और ये आप किसी भी सूरत में इसको आप विन नहीं कर सकते। ठीक है सर, थैंक यू सर आपका। सर मैं यहाँ पे ना पूछना चाहूँगा कि क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बस्तियाँ इसके साथ अटैच हैं,
और बहुत सारे जो हमारे अजीज व अकारब हैं यहाँ पे उनको दफनाया गया है। तो एफसी कॉलेज है, फाजलिया कलोनी है, उसके बाद शाह जमाल है या बाकी और जो तीन चार बस्तियाँ हैं, तो सर इनके जो पास्टर साहबान हैं, मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या वो इसमें अपना कोई रोल अदा कर रहे हैं या नहीं? नहीं, अभी तक पास्टर तो इन्वॉल्व नहीं है। हर कॉलोनी में चार पांच मोतबर लोग हैं जो कि इस चीज़ को चलाते हैं, और वही हैं जो तमाम केसेस के लिए पैसे वगैरह भी देते हैं। जी बिल्कुल, और जो भी कब्रिस्तान का कोई तमीरी काम होता है उसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जाहिर सी बात है हमारे जो रिलीजियस जो लीडर हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट भी इसमें बड़ी ज़रूरी है। आप क्या सोचते हैं जुवे साहब? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਪੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਤਕਰੀਬਨ 70-75 ਸਾਲ ਸੱਤਰ ਸਾਲ 75 ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਪਨੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤਚੀਤ ਕੋ ਸੁਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜੋ ਹੈ ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲਕੀਅਤ ਤੋ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਨਕਾ ਹੱਕ ਹੈ कि वो इस कब्रिस्तान को अपने अजीज़ व अकारब के जो जस्ते खाकी हैं उनको दफनाने के लिए इस्तेमाल करें। तो ये उसको वो अपनी ज़ाती जो उनका जो इसमें जो रोल है वो नहीं अदा कर रहे, बल्कि वो चाहते हैं कि जितनी बस्तियां इसके साथ अटैच हैं और जो जो इस कब्रिस्तान में उनके अजीज़ व अकारब हैं उनकी कब्रों को उसी तरह से महफूज रखा जा सके। यूसुफ साहब, आप हमें ज़रा मसीही जो कब्रिस्तान है रहमानपुरा उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये कब्रिस्तान आपके पास कब से है? मसीह यीशु में आप सबको सलाम अर्ज करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि ये कब्रिस्तान हमारा बहुत पुराना कब्रिस्तान है और इसमें 9 आबादियों के जनाजे दफनाए जाते हैं और हमारे अबुआ जदाद की कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं और हाँ, ये हमारा पुराना कब्रिस्तान है। लेकिन अफसोस है कि ये जो इशू बना है इफ़त नामी आदमी ने ये कब्ज़ा किया है और कहा है कि ये हमारी जनाजगाह के ऊपर एक कनाल पता नहीं कितनी वो मेरी है, लेकिन ये सरासर गलत है। यहाँ पर हम पुराना कब्रिस्तान है और ये कब्रिस्तान ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। फरजान साहब, आप हमारे नाज़रीन को इस कब्रिस्तान के बारे में क्या बताना चाहेंगे और आप हुकूमत से इसके बारे में क्या मुतालबा करते हैं? पहले तो मैं दरख्वास्त करना है, बहुत ज्यादा मुश्किल आई तो इन्हों मसला हल करें। मैं उस टाइम 6-7 साल इस टाइम मेरा बाप फोत होया तो इस टाइम मेरी उम्र 52-53 साल है, तकरीबन उन्होंने 45 साल तो उत्ते हो गए कि उ। हाँ जी नज़ीर साहब, तुसी सर कुछ दसना चाहो? मसीह में आप सबको सलाम। मैं ये कब्रिस्तान 78 में मेरा बाप फौत हुआ था। अच्छा। और 79 में मेरी वालदा फौत हुई है। तब से हमारे या जो भी फौत होता है उसको हम यहाँ पर रखते हैं। ये 100 साल से ज़्यादा का ये कब्रिस्तान है। अरसा हो गया। हम वज़ीर आला से दरख्वास्त करते हैं तो वो हमारी मदद करें, ये जो केस है इसको ख़त्म किया जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी नाज़रीन, अभी आप सारी बातचीत सुन रहे थे और किस तरह से मसीही कब्रिस्तान रहमानपुरा के जो लोग हैं, जो सरबराहान हैं, उन्होंने इसके बारे में सारा कुछ बयान किया और उन्होंने बताया कि ये कब्रिस्तान उनके पास कितने अरसे से है और कौन कौन से उनके अजीज़ व अकारब वहाँ पे जो है वो दफन है। तो आप इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें, अपनी राय का ज़रूर इजहार करें और ख़ास करके नेशनल न्यूज़नामा के प्रोग्राम को आप इस तौर से लें कि आपकी आवाज़ हम हुकूमत तक किस तरह से पहुंचाने के लिए हर वक्त तैयार खड़े हैं। और आप अपने कमेंट्स जो हैं वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जैसे ही हमें कोई नई अपडेट इस मसीही कब्रिस्तान रहमानपुरा के बारे में मिलती है हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे ताकि हम आपको बता सकें कि आखिर इस केस को किस तरह से जो है वो हुकूमत देख रही है या शहबाज़ साहब इसको किस तरह से जो अदालत है उस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बात के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन तारक प्यारो को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।